हाय गाइस, वेलकम बैक फ्रेंड्स। पतंजलि की कंठामृत के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ। ये वाली वीडियो मैं बना रही हूँ इस पर कि किस तरह से इसने मुझे एकदम से बहुत ज्यादा हेल्प करी और मुझे डॉक्टर के पास जाने से बचा लिया इस कंठामृत ने। हुआ यूं कि थोड़े दिन पहले की बात है कि रात को मेरी एकदम से नींद खुल गई और गले में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि मेरे से थूक भी ना अंदर निकली नहीं जा रही थी। मुझे लगा कि क्या हो गया एकदम से, मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ, क्यों हुआ ये एकदम से। अराउंड 1-2 बजे के करीब ये हुआ और बिल्कुल मेरे को नींद ही ना आए। मैं ट्राई करूं सोने की, नींद ही ना आए मुझे, इतनी ज्यादा मेरे गले में दर्द होने लग पड़ा। तो मुझे लगा कि मैं क्या करूं। मैं फिर एकदम से उठी और कंठामृत जो है वो एक ली और मैंने अपने चूसनी स्टार्ट कर दी और उससे क्या हुआ, मेरा जो दर्द था वो काफी ठीक हो गया और मेरे को नींद आ गई अच्छे से। सुबह जब मैं उठी फिर से मुझे दर्द था तो मैंने एक टैबलेट फिर से खा ली और दोपहर को फिर से एक टैबलेट खा ली, शाम को दोबारा से एक टैबलेट खा ली और उसके बाद हुआ कि बिल्कुल ही दर्द खत्म हो गया मेरा। मैं सोच रही थी कि अगर मेरा ज्यादा भी बढ़ेगा तो मैं जो सीतोब्लादी चूर्ण है, जैसे जो मैंने आपको बताया हुआ है, जो हनी के साथ मिक्स करके लेते हैं, वो भी मैं ले लूंगी, बट वो लेने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ एक कंठामृत खाने से ही मेरे को इतना ज्यादा आराम आ गया की जरूरत ही नहीं पड़ी। और सुबह जब मैं उठी थी तो मेरे को दर्द हो रहा था, फिर भी काफी, रात को जितना हो रहा था उतना नहीं हो रहा था लेकिन हो रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर के पास शायद जाना पड़ेगा। घर में भी सब लोग कहने लगे कि अगर इतना दर्द कर रहा है तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, आई थिंक एंटीबायोटिक्स खानी पड़ेंगी मुझे। लेकिन मैं ना बहुत ज्यादा अवॉइड करती हूँ एंटीबायोटिक्स वगैरह को खाना। आप सबको पता है कि अंग्रेजी दवाइयों के थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं और एंटीबायोटिक्स जो है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भी कम कर देते हैं, तो मैं अवॉइड करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो ले भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत इतनी रिजिड नहीं हूं मैं, बट ट्राई करती हूँ कि ना लो। तो ये मैंने ले ली। अभी पहले तो ये इस तरह की आती थी ना और मैं इतना थैंकफुल फील कर रही थी अपने लिए कि इसमें जब मैंने रात को ली तो सिर्फ 2 थी उसके अंदर और ये मैंने ऑलरेडी मंगवा के रखी हुई थी, मुझे पता था कि ये खत्म हो रही है। तो ये मैं, क्योंकि जरा सा भी मुझे लगे गले में तो मैं खा लेती हूँ ये, ऐसे कुछ भी खराश वगैरह लगे। पर मुझे इस बारे तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था गले में, तो मुझे खुद भी लग रहा था कि पता नहीं इससे ठीक होगा कि नहीं, सीतोब्लादी चूर्ण से कैसे होगा, मतलब काफी ज्यादा दर्द कर रहा था। तो ये वाली पहले ये वाली छोटी शीशी आती थी इसमें ना, ये बड़ा अच्छा था, ये इसका लगा हुआ था जो ऐसे छोटा सा होल था तो ऐसे करते थे तो एक निकल आती थी, तो इस तरह से। अब क्या है, अब ये वाली बना दी, ये थोड़ी सी साइज में बड़ी है और ये इस तरह से है, मतलब इस तरह से खुलती है कि इसमें इस तरह से टैबलेट्स होती हैं। तो अब ठीक है, जो मिल रही है बस वही लेनी है। हो सकता है कि तब मैं जो स्टोर पर लेने गई थी तो हो सकता है छोटी होती हो और उस वक्त ना हो और ये मुझे मिल गई हो। चलो एनीवे, जो भी है कि कंठामृत मेरे पास थी, मेनली ये कहना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू। मैं यही सजेस्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो अंग्रेजी दवाई लेने से पहले, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं ये तो आप सब मानते हो, है ना, तो अंग्रेजी दवाई लेने से पहले आयुर्वेदिक दवाई ट्राई कर लो, हो सकता है उससे ठीक हो जाए। अब ये कंठामृत है, इसमें क्या है, इसमें सौंठ है, मुलठी है, पुदीना सत, मतलब इसी तरह के सब नेचुरल चीजें हैं जो कि हमारी नानी दादी, हमारे पेरेंट्स काफी ज्यादा यूज करते थे और अपने आप को इसी तरह से ही ठीक करने की ट्राई करते थे। अब ये जमाना आ गया कि एकदम से कुछ भी हो चलो भागो फटाफट एंटीबायोटिक, नहीं तो घर में ही अपने आप ले लेते हैं हम लोग, मतलब ये थोड़ा अवॉइड करें, बस यही सजेस्ट करना चाहती हूँ मैं। और ये देखो नेचुरल चीज थी और इसने मुझे एंटीबायोटिक लेने से बचा लिया, तो ये जो चीज थी ना मुझे बहुत ज्यादा खुद ही बड़ा अच्छा लग रहा था, खुद पे प्राउड फील हो रहा था कि देखो मैंने अपने आप को एंटीबायोटिक लेने से कैसे बचा लिया सिर्फ कंठामृत के थ्रू। आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखना, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड डोंट फॉरगेट टू डू योगा एंड एक्सरसाइजेस। बाय बाय।